please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अरुण सिंह बड़ी खबर बेंगलुरु से दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्नाटक दौरे में कांग्रेस पर हमला बोला है। बेंगलुरु में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुत्व की ताकत को पहचानने के बाद राहुल गांधी भी गुजरात में मंदिरों में गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उस रोक को आगे नहीं बढ़ने दिया। गांव आते हैं, आपकी एकता को देखती है तो कांग्रेस आपको जाति के नाम पर बांटना चाहती है। कांग्रेस आपको तमाम अन्य वादों में बांटना चाहती है। कांग्रेस इस देश के लिए आज एक बोझा बन चुकी है, एक समस्या बन चुकी है। अपने भ्रष्ट कारनामों के कारण, अपने भ्रष्ट आचरण के कारण, अपनी विभाजनकारी नीतियों के कारण और साथ ही साथ कर्नाटक जैसे राज्य में, जिस कर्नाटक को विकास का एक अग्रदूत बनकर के आगे बढ़ना चाहिए था, कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में इस राज्य को पीछे धकेलने का कार्य किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा आने पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नोएडा आने का असर अभी दिखना बाकी है। सीएम का नोएडा दौरा असर दिखाएगा, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा होगा। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि नोएडा का ही असर है कि सीएम योगी को मेट्रो को हरी झंडी दिखाने का भी मौका नहीं मिला। समाजवादी पार्टी की और नोएडा की पूरी देहने की मेट्रो जुड़ गई दिल्ली से, हमें नहीं बुलाया गया तो कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी भी बटन नहीं दबा पाए ना झंडा दिखा पाए, हमने तस्वीरों में ये बात देखी। हम ना दिखा पाए हो झंडा, हम ना दबा पाए हो बटन, लेकिन मुख्यमंत्री को भी हम तो यही मानेंगे, नोएडा जाने में यही होता है। और अभी नोएडा का तो असर दिखना है, नोएडा जाने के बाद असर दिखाई देता है। वो आएगा समय जब नोएडा का असर दिखाई देगा। और ये तो अच्छा हुआ हमारे लिए कि दोनों लोग नोएडा पहुंच गए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।